हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा आज के इस नए ब्लॉग में। आज मुझे जाना था एम्स हॉस्पिटल। सुबह सुबह मैं उठता, नहा धोकर रेडी हो जाता हूँ। इसके बाद चाय पीने का मन करता है, चाय मिलते हैं, चाय पी के और मैं निकलता हूँ हॉस्पिटल के लिए। सुबह सुबह मैं टैक्सी मिलती नहीं है, तो मैंने ऊबर बुक किया था। ऊबर का थोड़ी देर वेट करने के बाद गाड़ी आती है उधर से, फिर मैं उसमें बैठता हूँ और चला जाता हूँ मेट्रो स्टेशन की तरफ। सुबह सुबह रास्ता खाली था तो जल्दी पहुंच गए मेट्रो। मेट्रो पहुंचने के बाद मैंने मेट्रो में बैठता हूँ, सिकंदरपुर से एम्स के लिए निकल जाता हूँ। भीड़ सुबह सुबह थी नहीं, मेट्रो आ जाती है जल्दी। थोड़ी देर वेट करने के बाद मेट्रो आती है, बैठ जाता हूँ, चलता हूँ हॉस्पिटल की ओर। मेट्रो में जगह मिल जाता है क्योंकि भीड़ नहीं था, उसमें खाली था, बैठ जाते हैं। आगे निकल जाते मेट्रो, देखिए खाली है। उतरता हूँ मैं एम्स, एम्स से निकलता हूँ फिर बाहर। बाहर निकलने के बाद जाता हूँ हॉस्पिटल के और दौड़ते दौड़ते भागता हूँ, क्योंकि वहाँ एम्स हॉस्पिटल में भीड़ बहुत होता है सुबह सुबह। तो जल्दी जाने से ना जल्दी नंबर लग जाता है। तो मैं पहले बार निकलता हूँ मेट्रो से बाहर, दौड़ते दौड़ते जाता हूँ, भागता हूँ यहाँ पर। अब सुबह सुबह 5 बजे मैं पहुंच गया था, लेकिन भीड़ इतनी थी, फिर भी लाइन में लगा रहा। वेट करने के बाद थोड़ी देर के बाद मैं अंदर जाता हूँ, अंदर देखता हूँ, अंदर भी नंबर लग जाता है जल्दी। अंदर लाइन में लगने के बाद पर्चा कटवा लेता हूँ, उसमें डेट डलवानी रहती है, लाइन में खड़ा रहता हूँ। यहाँ पर भी बहुत भीड़ रहता है, लोग बहुत सारे होते हैं। ये अपॉइंटमेंट वाली लाइन होती है, इसमें लोग जिनका अपॉइंटमेंट रहता है वही डेट डलवाने के लिए। इसमें स्टैम्प लगता है, फिर डॉक्टर के पास जाना रहता है। और ऐसे बगल में हेल्प करने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, किसको कहाँ जाना क्या करना वो सब पीले जर्सी वाले लोग बताते हैं। तो यहाँ से डेट डलवाने के बाद मैं निकलता हूँ ओपीडी की तरफ, जाता हूँ सीढ़ियों से नीचे। ओपीडी में पेपर जमा करना रहता है, उसके बाद वहाँ पर बीपी जाँच होता है, मॉनिटरिंग होता है, थोड़ा मोड़ा जो भी होता है प्रोसीजर करता हूँ। उसके बाद मैं फिर पहुँच जाता हूँ अपने डिपार्टमेंट में, जहाँ मुझे दिखवाना रहता है। वहाँ जाके मैं 4 नंबर में मेरे पास नंबर रहता है, मैं बैठ जाता हूँ। भीड़ नहीं रहता उतना क्योंकि सुबह सुबह पहुँच जाता हूँ। या मोबाइल चार्ज करने के लिए पीछे चार्जर भी दिया हुआ था, वीडियो बना रहा था उधर से गार्ड भाई का। उधर से दिखवाने के बाद मैं निकलता हूँ घर की ओर, सिकंदरपुर मेट्रो से फिर मैं जाता हूँ, पकड़ता हूँ मेट्रो का। पहुँचने के बाद अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।